हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्था की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरोई की सब्जी। इसकी सब्जी बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम तरोई, जिसके छिलके उतार कर मैंने अच्छे से साफ कर लिए हैं। इसी के साथ मैंने लिया है एक बड़े साइज का आलू, जिसके छिलके मैंने उतार कर धो लिए हैं, और दो बड़े साइज के टमाटर, दो बड़े साइज के प्याज, एक पोटी लहसुन। सबसे पहले हम तरोई को बारीक काट लेंगे, इस तरह चार भाग करके इसे बारीक बारीक काट लेंगे। इसे ना ही बहुत मोटी काटनी है और ना ही बहुत पतली। इसी तरह हम सारी तरोई को काट लेंगे। सारी तरोई को मैंने काट लिया है। अब हम इसी में एक जो मैंने आलू लिया था उसे भी हम काट लेंगे। अब हम टमाटर और प्याज को भी बारीक काट लेंगे। सारी सामग्री हमारी कटकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। मसाले में मैंने लिया एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालकर मसालों को हम भिगोएंगे। भिगोने से मसाले हमारे बिल्कुल ताजे हो जाते हैं और इनका अलग ही टेस्ट होता है। इनको भिगोकर हम रख देंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग डालने के बाद इसी में हम डालेंगे जीरा। जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज हमारी सॉफ्ट और ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी में डालेंगे भिगोया हुआ मसाला। मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसमें से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसी में हम डालेंगे सब्जी के हिसाब से स्वादानुसार नमक। नमक मैंने इसलिए डाला ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे में डालेंगे कटी हुई तरोई और आलू। इसको डालकर हम अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि
तरोई पानी खुद ही छोड़ती है, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है। दस मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाकर सब्जी को चलाएंगे। सब्जी हमारे अच्छे से पक चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी तरोई की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।